फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सहजन फली की सब्जी। सहजन फली को सुरजना फली या फिर ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर सब्जी को काटने से पहले साफ पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 से 3 इंच के टुकड़ों में काटा है। ये 250 ग्राम सहजन की फली है। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका पेस्ट बना लिया है। सब्जी मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर 1/4 चम्मच राई डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेते हैं। याद रखिए, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। एक कटोरी के अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और इन सभी को 2 चम्मच पानी में घोल लेंगे। और इसे भी प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। इन मसालों को हम मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल लेती हूँ। ये मैंने मूंगफली दाने का पाउडर बना लिया है पीस कर, तो ये मूंगफली दाने का पाउडर हम 2 चम्मच डाल लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन 1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना पड़े बेसन से। साथ में ही ड्रम स्टिक भी डाल लेते हैं। सब्जी को पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि पानी में अभी उबाल आने लगी है, तो अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और हम इसकी 1 सीटी लेकर सब्जी को पका लेंगे। सिर्फ 1 सीटी में ही सब्जी बहुत अच्छे से पक जाती है। प्रेशर कुकर की 1 सीटी आ गई है, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। प्रेशर कुकर रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसे खोल लेते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बिल्कुल बराबर है सब्जी के अंदर, और 1 सीटी में ही सब्जी पक गई है। सब्जी में मैं 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप ना डालें। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।